अरे रुको रुको रुको, अरे बंद करो ये बैंड बाजा। विश, निकलवाओ इन सबको यहाँ से। भैया हम कह रहे हैं निकलवाओ इनको यहाँ से। सिस्टी, किसी भी हमले के पीछे ना हाथ से ज्यादा दिमाग जिम्मेदार होता है। यहाँ हाथ तुम्हारा है लेकिन दिमाग जो है ना वो किसी और का है। बहुत जल्दी हम उस इंसान के बारे में पता लगा लेंगे। हम यहाँ पर बैठे, हमें कोई आपके नजदीक नहीं आने दे रहा, लेकिन हम आपसे दूर भी नहीं रह सकते। सृष्टि जी, ऐसा मत कीजिए। विष्णु जी, ऐसा मत कीजिए। विष्णु को देखता हूं, मेरा प्यारा सा भाई यहाँ पे अकेले क्यों बैठा है? हम अकेले कहाँ हैं भैया? सृष्टि जी है ना अंदर, नीचे हमारा मन नहीं लग रहा था तो हम यहाँ के बैठ गए। ऐसा है तो ठीक है, चलो मैं तुम्हारा मन ठीक करता हूँ। हाँ दो ये मिस्टर जी और देवर जी कहाँ चले गए? बहुत हुआ सृष्टि, चलो नीचे। इसकी चाबी कहाँ? हमें बताए भैया। क्यों खोल रहे हैं अनुराग जी? आओ सृष्टि। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? सृष्टि हमारे साथ नीचे जाएगी। मिस्टर जी, सृष्टि का नीचे सबके सामने जाने का मतलब है कि सृष्टि यही ठीक है? मिस्टर जी आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। रागिनी एक सेकेंड, नीचे फंक्शन चल रहा है, सब लोग हंस खेल रहे हैं, सृष्टि का भी हक है ना सबके साथ जाने का, बात करने का, और वो नहीं जाएगी तो विशु भी यहाँ चुपचाप बैठा रहेगा। प्लीज ये सब बंद करो, हटो यहाँ से, चलो। नहीं, सृष्टि कहीं नहीं जाएगी। मिस्टर जी आप ठीक नहीं कर रहे हैं, सृष्टि को नीचे मत लेके जाइए। अगर कुछ इसने गड़बड़ कर दिया तो फिर क्या करेंगे आप? ये फालतू के आर्गुमेंट्स बंद करो, सृष्टि नीचे जाएगी एंड दैट्स इट। मिस्टर जी बाहर के लोग भी यहाँ घर पर है, अगर कुछ तमाशा हो गया तो फिर पहले ही कम तमाशे नहीं हुए? रागिनी कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ ना। रागिनी प्लीज स्टॉप ऑल दिस। जी हमें भी परवाह है इसलिए हम ही कर रहे हैं। इस सृष्टि का ऐसे हाथ बंधा रहना ही हम सबके लिए अच्छा है। हम नहीं चाहते कि और घर में तमाशा हो फालतू का। हम सब साथ में हैं ना रागिनी। मिस्टर जी आप समझने का कोशिश काहे नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं होगा भाभी। जी इस सवाल ओढ़कर बैठी रहेंगी, अब तो जाने देंगी ना आप? जैसा आप लोगों को ठीक लगे। चलिए सृष्टि जी। लड़की अब हमको भी ना शादी का थोड़ा बहुत तैयारी शुरू कर देना चाहिए। चाहे जो कुछ भी हो, रज्जू बिरजू की होने वाली बहू है।
drop the belt. दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। दो तोले की मुंदरी ला दे, तीन तोले का कंगना, मुंह दिखाई दे दे फिर तू ले जा अपने अंगना। ना समझ तू चीज पुरानी, चेहरा मेरा भी सुनुरानी, देखेगा तो खा जाएगा सौ सौ झटके। पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, जरा सा जरा सा जरा सा टेढ़ो हो जा बाल मां। पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके, पल्लो लटके अरे मारो पल्लो लटके। बीमार है, ठंड ना लग जाएगा। ले ही आए हो तो यहाँ बिठा दो इसको। कहे कि सबका नजर रहेगा ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अरे आप लोग नाचिए आए, अब बजाइए बजाइए। बजाइए बजाइए, आइए हमको करना पड़ेगा। हमको लगता है आप हमसे अभी और नाराज हैं। नहीं नहीं प्रे, हम तुमसे कभी नाराज हो सकते हैं क्या? हम गुस्सा में बड़बड़ा देते हैं, जरूर कुछ डांट भी देते हैं तुम्हें, पर हम तुमसे नाराज कभी नहीं हो सकते। तुम भाई हो हमारे, बहुत चाहते हैं, हम तुमसे नाराज कभी नहीं होंगे। ब्रिजमान, हम आपके नाराजगी के साथ नहीं रह सकते। हम समझते हैं प्रिंस, हम समझते हैं। हम तुम्हारे ऊपर ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं, वो सब हमें बाथरूम जाना है। अच्छा अब सृष्टि एक मिनट। हाँ हम हाथ धो के आते हैं। We'll be right back.
रागिनी, ये दरवाजा हिल रहा है, इसका मतलब कमरे में कोई आया है। हमें बहुत अच्छे से मालूम है यहाँ कौन है, चलो हमारे साथ। रागिनी, हमें अच्छे तरीके से याद है, विशु जी जब हमें नीचे लेकर गए थे तो ये दरवाजा बंद करके गए थे, तो ये अचानक से खुल कैसे गया? खुला नहीं है, कोई यहाँ ना कुछ करने आया था। लेकिन कौन, और तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो? ये चाबी देख रही हो, ये अभी तक गर्म है, लोहे का है ना इसलिए अभी तक ठंडा नहीं हुआ। ये चाबी हम गर्म किए थे अंगारे पर। हमें बहुत अच्छे से पता था कि जो कोई भी इस पर्दे के पीछे ये खेल खेल रहा है ना, उस असुर जरूर तुम्हारे कमरे में आएगा तुम्हारा ये जंजीर खोलने के लिए, ताकि वो तुम्हें अपने इशारे पर नचा सके। लेकिन आज हमारे पकड़ में आ जाएगा, उसका हाथ जल गया होगा, ससुर आज नहीं छोड़ेंगे हम उसको। और ये साबुन, ये साबुन पे ना वो अपना चाबी का निशान लेने आया होगा, लेकिन हाथ जलने के कारण बिलबिला के भाग गया होगा। लेकिन आज आज वो हमारी पकड़ में आया है। ससुरा इतना बेचैन ना आज तक कभी नहीं हुए किसी को पकड़ने के लिए। तुम जल्दी जाओ, बाथरूम में जाओ, और फिर उसके बाद ना नीचे चल के देखते हैं किसी का हाथ चला है। आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। आज आएगा ऊंट पहाड़ के नीचे, तुम यहां बैठो, हम सबका हाथ चेक कर कराते। भाई कौन करम का मेहंदी लगा रहे, ये डिजाइन नहीं है। तीन बार तो पूछवा चुकी हो आप, जो बोली हो वही लगाए हैं। अरे पुआ लगा लो ना, काहे इतना पटर पटर कर रही हो, एक मेहंदी तो लगाना है। किसी का हाथ चलाई ये कैसे चेक करे? अरे अब तो घर की बड़ी बहू हो ना। हाँ, अरे आपको तो मेहंदी लगानी चाहिए। अरे हम लगवाएंगे, लेकिन आप पहले सबको लगा दो। ऐसे कैसे नहीं लगाना, आप तो घर की बड़ी बहू है ना, आपको तो सबसे पहले लगाना चाहिए। हस्बैंड का नाम क्या है आपके? मिस्टर जी। मिस्टर जी, ये कैसा नाम है? नाम तो जैसे पप्पू जी, मोनू, कुछ ऐसे ऐसे नाम रहते हैं, मिस्टर जी कुछ अलग है ना। हो गया जासूसी, उसी आईडी से आई होगा तुम। हाँ, अरे हम तो मेहंदी वाले, सिर्फ मेहंदी का काम करते। अच्छा, काम करो ना अपना, जल्दी कर दो थोड़ा। ससुरा हमें सबके हाथ चेक करने हैं, और ये मेहंदी वाली बगीचा बना रही है हमारे हाथ में। हो गया? अरे नहीं, अभी बहुत बाकी है। बहुत अच्छा लगाई हो, बस बाकी का बाद में लगा देना, ठीक है? थैंक यू। अब हम कैसे चेक करें सबका हाथ? ये ठीक है, एक काम करते हैं, घर के आदमियों से शुरू करते हैं। देवजी प्रसाद है, ले लीजिए।
घर में किसी मर्द का हाथ नहीं चला है, मतलब वो चुड़ैल है। हाथों में तो मेहंदी लगा है, जले का निशान कैसे दिखेगा? मेहंदी ने तो ना हमारे प्लान का भंडाधार कर दिया। और ना हम पहले से सोचे कि जो अरे आओ ना ये जो साड़ी है ना, अरे छुटका फूफा चलिए यहाँ से निकल। अरे चलिए अंगना में आपका बिछौना लगा दिया हूँ, इतना सुतिएगा। अरे जाइए बताओ। एक मिनट दुलारी, का मतलब भाई अंगना में बिछौना लगा दिया? हम तो यहाँ सोते ना। सोते थे, बाकी आज जो है वो आप यहाँ नहीं सोएंगे, आप सोएंगे अंगना में, समझे कि नहीं? जाड़ा में ये सब का है? का है मने? हम कह रहे हैं वही चलते है, रिवाज है। तू वो करे रसम। अरे का रसम है भाई? का है ना छोटका फूफा की अब फुआ के अम्मा कहले है कि ब्याह से पहले ना दुल्हा दुल्हन को एक दूसरा का शक्ल नहीं देखना चाहिए। काहे के इसे दूर रहिएगा तब प्यारो तब बढ़ेगा ना। सच्ची अब सैया जी हम दोनों का प्यार और बढ़ेगा। तुमको इतना पटर पटर नहीं बोलना चाहिए, तुम्हारा ब्याह है ना, लड़की को गंभीर होना चाहिए। हम तो अपने ब्याह में एकदम में नहीं बात करते थे, पता है सबको, तो ये मालूम ही नहीं चला था कि हम बोलते हैं कि नहीं। अरे कपड़ा का दुकान तुम का खोले हो, समेटो ही सब। अब समेटो काहे का कहले हो। हाँ चाचू आपको बाहर जाना होगा। क्या हुआ चाचू, आप रो क्यों रही हैं? ऐसे सोचने लगे थे कि घर में इतना उथल पुथल मचा हुआ है, उसके बाद भी तुम दोनों हमारा शादी के बारे में सोच रहे हो। अभी मेहंदी में भी तुम लोग दिल से साथ दिए, यही सोच के ससुरी आंख भर आई बस। अब यह तो परिवार होता है ना। हाँ होता है, ये है छोटका फूफा का है कि परिवार तो परिवार ही होता है। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब धन्यवाद जो है ना वो आप ही जान लेबा को दीजिएगा, हमको तो नेग चाहिए। ठीक है भाई, सवेरे आके ना अपना नेग ले लेना हमसे, ठीक है? हाँ ठीक है। अब ताले आप परसों ले अपना जो दुनिया है ना वहीं पे बसाइए अंगना में जाके। चलिए जाइए, आई हो सब नहीं करना है, एकरो लिए मना की है। अब जो कुछ भी हुआ है उससे तुम्हारा दिल बहुत दुखा है। अब कुछ ही दिनों का बात रह गया, आज तो पर्दाफाश होके होते रह गया, लेकिन आज नहीं तो कल ना वो सच्चाई सबके सामने जरूर आएगी। सिस्टी हम तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, लेकिन तुम्हारा हथेली भी खाली नहीं रहने देंगे। आज इस घर में सबने मेहंदी लगाई है तो हम भी तुम्हारी हथेली में मेहंदी लगा देते हैं। का है ना देवर जी तो भोराए रहते हैं तुम्हारे प्यार में। वो पता है ये मेहंदी ना सुहाग का निशानी होती है। हमारी अम्मा जी कहती है कि जिसका पति अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता है ना उसके हाथ में मेहंदी का जो रंग है वो बहुत गहरा रचता है, और तुम्हारे हाथ में तो बहुत गहरा रचेगा क्योंकि का है देवर जी तो तुम्हारे पीछे एकदम भराए रहते हैं। का है कि हमें ज्यादा कुछ तो बनाना नहीं आता है तो मोर बना लेते हैं हम।